हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत का हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में काफी कुछ पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने बातें की थी किसकी, सवाई जय सिंह की। और सवाई जय सिंह का जो शासनकाल माना जाता है, हमने देखा था 1700 से 1743, और सवाई जय सिंह की मृत्यु 1743 में। जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, इससे देखा जाए क्या कंडीशन हुई थी। आपको पता है कि देवारी समझौते के तहत, कौन देवारी समझौता हुआ था 1708 में। 1708 में किस किस के बीच होता है देवारी समझौता? मेवाड़ का जगत सिंह, मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय और उसकी पुत्री चंद्रकौरी से विवाह कौन किसके साथ कर दिया जाता है? चंद्रकौरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ कर दिया जाता है। सशर्त किया जाता है। क्या शर्त थी? शर्त यह थी कि इसका जो भी बेटा पैदा होगा वही मेवाड़ का, सॉरी आमेर का उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसा बनना तो किसको चाहिए था भाई? माधव सिंह को। उसके गर्भ से किसको कौन पैदा हुआ था? माधव सिंह पैदा हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान दें, चलिए बात कर लेते हैं। तो किसकी बात करें? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के दो पत्नियां थी, दो पत्नी, दो पत्नी पत्नी थी भाई, दो रानी थी। एक तो चंद्रकौरी, कौन सी? चंद्र कौरी कौन थी? चंद्र कौरी। और चंद्र कौरी कौन थी भाई? ये मेवाड़ की, कहाँ की रहती किशोरिया रानी थी या मेवाड़ की थी? कहाँ की थी ये? मेवाड़ की। कहाँ की थी भाई? मेवाड़ की। इसके गर्भ से उसका जन्म होता है माधो सिंह का। माधो सिंह का जन्म, माधो सिंह, माधो सिंह अर्थात देबारी समझौते के अनुसार। किसके अनुसार? देबारी समझौते के अनुसार, समझौते के अनुसार, अनुसार देबारी समझौते के अनुसार शासक है वो किसको बनना है? देबारी समझौते के अनुसार शासक किसको बनना है भाई? शासक बनना चाहिए था आपका, कौन बनना चाहिए? देवारी समझौते के अनुसार शासक, अनुसार शासक कौन बनना चाहिए? शासक बनना चाहिए था आपका माधो सिंह। कौन बनता? देवारी समझौते के अनुसार शासक माधो सिंह बनना चाहिए था। माधो सिंह होना कौन होना चाहिए भाई? माधो सिंह होना चाहिए। लेकिन क्या होता है मेरे दोस्तों, होता यह है कि ईश्वरी सिंह, यहाँ पर एक रानी थी जो कहा जाता है खिचू की, खिचू की बेटी थी, खिचू की बेटी ठीक है। और इसमें सुजान कंवर, कौन? सुजान कंवर, इसी का नाम मिलता है सूरज कंवर। कौन? सूरज कंवर। क्या नाम मिलता है? सूरज कंवर। इसका गर्भ से कौन इसका पुत्र, ये कौन है भाई? पुत्र है इसका। इसका क्या ये पुत्र, माधव सिंह क्या है? पुत्र है। और इसका पुत्र होता है, तो पुत्र की बात करें इसका पुत्र कौन होता है भाई? इसका पुत्र होता है ईश्वरी सिंह। कौन? ईश्वरी सिंह। क्या? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह होता है तो कौन प्यारे दोस्तों? सवाई जय सिंह। क्या करता है सवाई? सवाई जय सिंह, जय सिंह की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद किसको शासक बन, कौन शासक बन जाता है? शासक बन जाता है कौन? ईश्वरी सिंह बनता है। कौन बनता है? ईश्वरी सिंह। कौन बनता है? ईश्वरी सिंह। अब ईश्वरी सिंह शासक बन जाता है तो उत्तराधिकारी संघर्ष होगा नहीं होगा? शर्त के अनुसार तो कौन शासक बनना चाहिए आपका? माधो सिंह शासक बनता है, बनना चाहिए। लेकिन कहा जाता है प्यारे दोस्तों कि शर्त के अनुसार, शर्त का ध्यान नहीं रखते हुए ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया जाता है सवाई जय सिंह के द्वारा। अब सवाई जय सिंह के द्वारा राजा बना दिया जाता है, क्या होगा इनके बीच में? उत्तराधिकारी संघर्ष। क्या होगा भाई? उत्तराधिकारी संघर्ष। क्या होगा? उत्तराधिकारी संघर्ष। क्या होगा? उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के बीच होगा भाई? ये संघर्ष जो होगा दोनों भाइयों के बीच, एक तो कौन प्यारे दोस्तों? आपका
एक तो माधु सिंह और एक ईश्वरी सिंह, इसके बीच उत्तराधिकारी संघर्ष होगा, एक तो ईश्वरी सिंह और एक माधु सिंह, दोनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। उत्तराधिकारी संघर्ष में प्यार दोस्तों कहा जाता है कि दो युद्ध होते हैं, कितने युद्ध होते हैं, दो युद्ध होते हैं, कितने युद्ध होते हैं, दो युद्ध होते हैं, कितने युद्ध होते हैं, मुख्य रूप से जब देखा जाए यहाँ पर कितने युद्ध होते हैं, दो युद्ध होते हैं। एक तो पहला युद्ध होता है 1747 में, कब होता है 1747 में, कौन सा राजमहल का युद्ध, कौन सा राजमहल का युद्ध, कौन सा युद्ध होता है भाई 1747 में, राजमहल का युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध होता है, और राजमहल का युद्ध कहा जाता है, ये कहाँ पर राजमहल कहाँ पर पड़ता है भाई, टोंक में, कहाँ पड़ता है ये, टोंक में पड़ता है, टोंक के राजमहल में ये युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है भाई, राजमहल टोंक में ये युद्ध होता है, जिसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, कौन सा युद्ध कहा जाता है, राजमहल का युद्ध होता है, पर ये किस किस के मध्य होता है आपको पता है, किस किस के मध्य होगा ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, किसके मध्य होगा भाई, ये एक तो आपका सवाई जय सिंह का बेटा, दोनों ही सवाई जय सिंह के हैं, एक तो माधो सिंह, कौन माधो सिंह, कौन भाई माधो सिंह, और दूसरी तरफ वरसे कौन होगा ईश्वरी सिंह, कौन होगा ईश्वरी सिंह, कौन होगा ईश्वरी सिंह के मध्य ये युद्ध होता है, ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में होने के पश्चात कहा जाता है इसका साथ देने के लिए कौन कौन आता है यहाँ पर, ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए भी कुछ शासक भाग लेते हैं, और शासक क्या भाग लेते हैं प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर एक तो सूरजमल जाट जो भरतपुर का था, ये किसकी बात करें प्यारे दोस्तों, इसका साथ देने के लिए कौन आता है, सूरजमल जाट, कौन आता है सूरजमल जाट, कौन आता है सूरजमल जाट, ये कहाँ का था भरतपुर, कहाँ का था भरतपुर का, कहाँ का प्यारे दोस्तों, ये सूरजमल जाट इसका साथ देने के लिए आता है, और इसका साथ देने के लिए आता है, और कहा जाता है यहाँ पर और कौन आता है प्यारे दोस्तों, एक इसका सेनापति हुआ होता था गोविंद चंदाणी, कौन था भाई इसका सेनापति हुआ करता था हर गोविंद चंदाणी, कौन था इसका सेनापति, सेनापति की बात करें सेनापति, और सेनापति कौन था हर गोविंद, हर गोविंद चंदाणी, हर गोविंद, हर गोविंद चंदाणी, ये इसका सेनापति था कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसका सेनापति होने के बावजूद कहा जाता है ये इसके साथ देता है, और साथ देता है तो इस युद्ध में कहा जाता है कौन विजय होता है इसमें, एक तो इसका साथ देने के लिए, अब माधो सिंह का साथ, माधो सिंह का साथ देने के लिए कौन कौन आता है, एक तो आता है आपका जालिम सिंह, सॉरी एक तो आते हैं आपके मराठे, कौन आते हैं मराठों को पैसे देकर ही बुलाता है, कौन आते हैं का साथ देने के लिए मराठा आते हैं, कौन आता है भाई मराठा आते हैं, लेकिन विजय कौन होता है यहाँ पर, यहाँ पर विजय होता है, यहाँ पर किस युद्ध में विजय हो जाता है, राजमहल के युद्ध में कौन विजय हो जाता है, यहाँ पर ईश्वरी सिंह विजय हो जाता है, कौन विजय हो जाता है ईश्वरी सिंह विजय हो जाता है, और ईश्वरी सिंह विजय हो जाने के पश्चात पर दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पर देखिएगा क्या दुर्जन साल भी इसका साथ देता है, ये ध्यान रखना है, दुर्जन साल किसकी बात करें, दुर्जन साल जो कोटा का था, दुर्जन साल ये कहाँ का था कोटा का, कहाँ का शासक है भाई कोटा का शासक हुआ करता था दुर्जन साल, और दुर्जन साल किसका साथ देता है भाई यहाँ पर, माधो सिंह का साथ देता है, कोटा वाला इसका साथ देता है, सादा साथ देने के पश्चात क्या होता है कंडीशन ये होती है प्यारे दोस्तों कि इधर ये साथ देता है, साथ देने के पश्चात कौन जीतता है, मराठा किसका साथ दे रहे हैं माधो सिंह का, फिर भी कहा जाता है इस युद्ध में किसकी विजय हो जाती है, इस युद्ध में विजय हो जाती है ईश्वरी सिंह की, और ईश्वरी सिंह विजय हो जाता है, बहुत खुश होता है, और बहुत खुश होने के पश्चात क्या करवाता है, ये ईश्वर लाट का निर्माण करवाता है, क्या करवाता है प्यारे दोस्तों ईश्वर लाट का निर्माण करवाता है, कौन करवाता है ईश्वरी सिंह, किसका निर्माण करवाता है इस युद्ध में विजय के बाद, इस युद्ध में, युद्ध में विजय के बाद बाद ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह ईश्वर लाट का निर्माण करवाता है, ईश्वर लाट या इसी को क्या कहते हैं स्वर्गासूली, स्वर्गासूली का
निर्माण करवाता है, निर्माण करवाता है, क्या करवाता है भाई, किसका निर्माण करवाता है। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है इसी के पश्चात देखिएगा यहाँ पर आपकी शरणार्थ। ये आपका सवाई ईश्वरी सिंह है, कौन देख रहे हैं आप, ये ईश्वरी सिंह है, सवाई ईश्वरी सिंह कौन है, ईश्वरी सिंह कौन है, ईश्वरी सिंह, ये ईश्वरी सिंह जी है, याद रखना ईश्वरी सिंह जी है। और कहा जाता है उत्तराधिकारी संघर्ष में यही विजय होते हैं, और ईश्वरी सिंह जी है ठीक है, कहाँ के आमेर के, कहाँ के आमेर जयपुर के शासक, कहाँ के आमेर के शासक कौन बने, ईश्वरी शासक ठीक है। इसके पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों चलिए ये ईसरलाट देखेगा, क्या ये ईसरलाट है, और ईसरलाट क्या है प्यारे दोस्तों, इसका निर्माण कौन करवाता है, सात मंजिला इमारत मानी जाती है, मंजिला एक दो तीन चार पांच छह और सात, ये सात मंजिला इमारत मानी जाती है, करवाता है जब ये ईश्वरी सिंह विजय प्राप्त कर लेता है, और ईश्वरी सिंह विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात इसका निर्माण करवाता है प्यारे दोस्तों। कहा जाता है कि ये इसका निर्माण 1749 में करवाता है भाई, 1749 में ये बनकर तैयार हो जाती है, और 1747 से इसका निर्माण प्रारंभ करवा दिया जाता है, 1749 में ये बनकर तैयार हो जाते हैं, किस विजय के, संयुक्त अर्थात मराठा और कहा जाता है मेवाड़ की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है, इस कारण कहा जाता है ये इसका निर्माण करवाता है, इसका निर्माण करवाता है स्वर्गशूली का निर्माण करवाता है, ये क्या है, क्या है प्यारे दोस्तों, स्वर्गशूली या ईसरलाट क्या है ये, प्यारे दोस्तों देखिएगा ये है ईसरलाट, क्या है ईसरलाट, ईसरलाट इसी को क्या कह सकते हैं आप, सर्गाशूली, क्या कहते हैं सर्गाशूली, ये विशेष रूप से ध्यान देना है, सरलाट या सर्गाशूली कौन करवाता है इसका निर्माण, निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया किसने, किसने करवाया ईश्वरी सिंह, किसने करवाया ईश्वरी सिंह ने, किसने करवाया भाई ईश्वरी सिंह ने, कहाँ है जयपुर में, कहाँ है जयपुर में ठीक है, जयपुर में बनी, कहाँ पर बनी हुई है भाई, जयपुर में इसका निर्माण करवाया जाता है ठीक है, याद रखना जोहरी बाजार के पास ही बनी हुई है जयपुर में, और इसका निर्माण किसके द्वारा, ये इस पे कुछ पंक्तियां लिखी गई है, ये सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा मेरवाड़ और मराठा के संयुक्त सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष में ये जयपुर शहर के मध्य ईसरलाट या सर्गाशूली का निर्माण 1749 में करवाया गया, इसके सर्गाशूली भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई लगभग 140 फीट मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, ये सात मंजिला है, नहीं भाई सात मंजिला है ये जयपुर शहर की, इसके ऊपर चढ़ने के बाद, इसके ऊपर चढ़ने के बाद जयपुर का पूरा विहंगम दृश्य देखा जा सकता है, किसका, जयपुर शहर का पूरा विहंगम दृश्य देखा जा सकता है, कौन सी सर्गाशूली पर चढ़ने के, ठीक है याद रह जाएगा। इसके पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है, चलिएगा इसका ईसरलाट का निर्माण हो गया, इसके बाद एक और युद्ध होता है, वो भी उत्तराधिकारी संघर्ष है प्यारे दोस्तों, तो भी ध्यान रखना है आपको, कौन सा बगरू का युद्ध, कौन सा बगरू का युद्ध, कौन सा बगरू का युद्ध, और बगरू का जो युद्ध है वो होता है 1748 में, कब होता है भाई, बगरू का युद्ध होता है 1748 में, जयपुर के निकट ही पड़ता है ये बगरू, और 1748 में ये युद्ध होता है, इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें सूरजमल जाट, इधर ईश्वरी सिंह, कौन, ईश्वरी सिंह ठीक है, वर्सेज कौन होता है, इधर देखिएगा इसका साथ देने के लिए कौन आता है, सूरजमल जाट, कौन आता है सूरजमल जाट, कौन आता है सूरजमल जाट, इधर कहा जाता है कौन, इधर की बात करें तो कौन, माधो सिंह, कौन, माधो सिंह, और माधो सिंह, और माधो सिंह का साथ कौन देता है भाई, यहाँ पर कहा जाता है कि मराठा देते हैं, और इसी के साथ कौन, मराठाओं के साथ कौन देता है, और साथ यहाँ पर देते हैं जगत सिंह, और जगत सिंह कहाँ का शासक था भाई, मेवाड़ का, कहाँ का, जगत सिंह, और जगत सिंह कहाँ का शासक था भाई, मेवाड़ का, कहाँ का था ये,
मेवाड़ का शासक था, और मेवाड़ का शासक होने के साथ साथ कहा जाता है इसमें और कौन देता है, मराठा भी इसका साथ देते, जिनकी संयुक्त सेना को ये पराजित करता है 1748 में। इसमें इस युद्ध में यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, इस युद्ध में लेकिन कौन विजय होता है, इस युद्ध में यहाँ पर माधो सिंह कौन होता है, इस युद्ध में कौन विजय हो जाता है, इस युद्ध में माधो सिंह विजय हो जाता है। कौन विजय होता है इस युद्ध में, माधो सिंह। कौन विजय होता है भाई इस युद्ध में, माधो सिंह विजय होता है। कौन होता है, माधो सिंह, माधो सिंह विजय होता है। कौन होता है, विजय होता है, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, पहले वाले युद्ध में कौन विजय हुआ था, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा पहले दोस्तों, यहाँ पर ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह, और इसके साथ ही कहा जाता है मराठा, और इसके साथ वो भी था आपका, कौन था, जगत सिंह, जगत सिंह, ये भी ध्यान रखना, जगत सिंह, और जगत सिंह सेकंड, कहाँ का, मेवाड़ का। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इनकी संयुक्त सेना को कौन पराजित करता है, ईश्वरी सिंह पहले युद्ध में पराजित करता है। इसके चक्कर में ये इसी के आदमी किसका निर्माण करवाता है, ये स्वर्गासूली का निर्माण करवाता है, शासक बन जाता है। शासक बन जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, वैसे तो इसके जीवन काल में कुछ वैसा विशेष कार्य हुआ नहीं, फिर भी कहा जाता है दोस्तों की स्वर्गासूली। अब क्या कंडीशन होती है दोनों युद्ध को, अब यहाँ पर कौन जीत जाते, यहाँ पर जीत जाता आपका कौन, देखिए युद्ध में बगरू के युद्ध में कौन जीत जाता, बगरू के युद्ध में आपका माधो सिंह जीत जाता। माधो सिंह जीत जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या करता, कंडीशन ये होती कि शासक तो ये बना रहता, लेकिन कहा जाता है प्यारे दोस्तों कंडीशन ये होती कि जो मराठा है, मराठा किसके पास आते, ईश्वरी सिंह के पास आते, और जो ईश्वरी सिंह वैसे तो हार गया था भाई, माधो सिंह से तो पैसे लेकर उन्होंने लड़ाई की थी, माधो सिंह से तो पैसे ले ही लिए थे, इसलिए तेरे ओर से लड़े। फिर भी किसके पास जाते हैं, ईश्वरी सिंह के पास, ईश्वरी सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें चंदा दो, क्या दो, हमें पैसे दो। और ईश्वरी सिंह कहता है किस बात के पैसे, मैं तो वैसे ही हार गया, तो हार गया तभी तो ले रहे हैं कि युद्ध का हार जाना दो, क्या युद्ध का हार जाना दो, वो युद्ध का हार जाना देना पड़ेगा कि पैसे देना पड़ेंगे, भाई मेरे पास अभी तो नहीं है, अभी तो मैं शासक बना ही था, जब शासक बने थे तो कहा जाता है कि इसने एक साल दो साल, और कहा जाता है कि एक दो साल में दे देना, अभी तो शासक बना ही है कि अभी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, तो अगले साल दे देना। 47 में जीता, 48 में दे देना, 48 में नहीं दिया, 49 में दे देना, कभी 49 में नहीं दिया, 50 में दे दे। और कहा जाता है कि अब कंडीशन ये होती है प्यारे दोस्तों कि मराठा भयंकर तरीके से परेशान करने लग गए इसको, किसको, सवाई ईश्वरी सिंह को, और ईश्वरी सिंह को परेशान करने लग गए। तो कहा जाता है ये अपनी तीन पत्नियों के साथ कहाँ चढ़ता है, स्वर्गासूली के ऊपर चढ़ता है, और स्वर्गासूली पे ऊपर चढ़ने के पश्चात प्यारे दोस्तों वहीं से छलांग लगा लेता है, और मराठाओं के दबाव में आकर कहा जाता है कि ये कौन है, ईश्वरी सिंह है, जो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। 1750 में कहा जाता है इसकी हत्या हो जाती है, मर जाता है ये, क्यों, मराठाओं के पैसे मांगने के कारण, क्यों मरता है, मराठाओं के पैसे मांगने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ये मराठाओं से पैसे नहीं दे पाता, अर्थात कर्जा नहीं दे पाता, इस कारण क्या कर लेता है, ये आत्महत्या कर लेता है, कब, 1750 दोस्तों। तो ये आपका ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो ईश्वरी सिंह के बारे में और बातें करते हैं। मराठाओं के, मराठा द्वारा पैसे मांगने पर जब ईश्वरी सिंह पैसे नहीं चुका पाया तो स्वर्गासूली पर चढ़कर अपनी तीन पत्नियों के साथ कूद कर आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह ने कब की भाई, 1750 में, कब की भाई, 1750 ईस्वी में
स्वर्गासूली से कूद कर किसने, ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली, आत्महत्या। ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली, ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। कब, 1750 में स्वर्गासूली से कूद कर, ठीक है, 1750 में ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली, आत्महत्या, क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, किससे कूद कर, तलाट से कूद कर, ठीक है, याद रखना प्यारे दोस्तों। अब स्वर्गासूली से कूद कर आत्महत्या कर लेता है और कहा जाता है अपनी तीन पत्नियों के साथ, जब मराठाओं को ये हर जाने की राशि नहीं चुका पाया तो कहा जाता है कि इसने उनके दबाव में आकर, प्यारे दोस्तों ये परेशान रहा था, काफी दिनों से परेशान चल रहा था, लेकिन अंत में इसको क्या सूझता है, अपनी पत्नियों के साथ ये स्वर्गासूली पर चढ़ता है और उसके सातवीं मंजिल पर चढ़कर वहां से छलांग लगा लेता है पत्नियों सहित, और अंत में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है प्यारे दोस्तों। ये मेवाड़ सॉरी आमेर के इतिहास का ऐसा शासक माना जाता है जिसने आत्महत्या करके अपनी जान दी, क्या, ये आत्महत्या करके जान देने वाला प्रथम शासक माना जाता है। कौन माना जाता है प्यारे दोस्तों, ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। चलेगा इसके पश्चात जो शासक बनेगा प्यारे दोस्तों कौन बनता है, इसके बाद जो शासक बनाएंगे हम, इसके बाद शासक बनेगा आपका माधो सिंह, कौन बनेगा भाई, इसके बाद शासक जो बने ईश्वरी सिंह के बाद दोस्तों ईश्वरी सिंह के बाद कौन शासक बनता है आपका, यहां पर जो शासक बनने जा रहा है वो कौन बनता है, सवाई सवाई माधो सिंह, कौन बनेगा, सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह शासक बनता है प्यारे दोस्तों। ये बनता है 1750, कब बनता है, 1750 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक, 68 तक, 1768 तक ये शासक रहता है, कहां तक शासक रहता है, 1768 तक शासक रहता है, कौन रहता है भाई, सही होगा सवाई माधो सिंह, कहां की गद्दी पर बैठ जाता है, आमेर का शासक। ईश्वरी सिंह के बाद कौन शासक बनेगा आपका, माधो सिंह जाता है और ये आमेर की गद्दी पर बैठ जाता है, आमेर की गद्दी पर बैठ गया, आमेर की गद्दी पर बैठ जाने के पश्चात फिर वो तो मर ही गया एक, तो ईश्वरी सिंह मर जाने के पश्चात कौन आता है भाई उनके पास, फिर मराठे आते हैं, भाई बात यह है कि अब आप शासक बने हो और शासक बनने के एवज में हमें हर जाना दो, मराठे किसके पास आते हैं भाई, इसके पास आते हैं, किसके पास आते हैं भाई, सवाई माधो सिंह के पास आते हैं, ठीक है कि देंगे भाई कि रुको कि अभी तो शासक बनाई है, और उधर से इसकी मम्मी बाहर निकल कर आती है कि क्यों लेने आए, कि बात ऐसे है कि मलार राव होलकर को ये राखी बांध देती है और कि भैया राखी का फर्ज निभाना, मराठा था और राखी का फर्ज निभाने के चक्कर में कहती है ऐसा करो कि अभी तो इसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, अभी तो राजा बना ही है, ऐसा करो एक दो साल रुक जाओ आप, क्या एक साल रुक जाओ, और एक साल रुक जाने के पश्चात कि बाद में जब आपकी हमारी व्यवस्था हो जाएगी और व्यवस्था हो जाएगी तो फिर आपको दे देंगे भाई पैसे वैसे, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो एक साल निकलता है प्यारे दोस्तों, क्या एक साल निकलता है, और एक साल निकल जाने के पश्चात क्या करता है, एक साल निकल जाता है, एक साल निकल जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या होता है, एक साल निकलता है और एक साल निकलने के पश्चात 1751 में किसको, मराठाओं को बुलाता है फोन करके, मामा जी आ जाओगे, कौन माधो सिंह फोन करके बुलाता है, माधो सिंह फोन करके बुलाता है कि आ जाओगे मामा जी, क्या करें कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, पैसे मांग रहे थे, पैसे ले जाओ। इससे पहले जब ये नहीं बुलाता उससे पहले काफी परेशान कर देते हैं, क्यों तो, कहा जाता है प्यारे दोस्तों कई बार मराठा आते हैं मार्केट में, लूटपाट मचाते, सामान्य जनता से कई सारा धन लूटते और ले जाते, कई बार की ये घटनाएं, और उससे परेशान ये भी खुद भी हो गया था, कौन माधो सिंह परेशान था, और बाद में कहा जाता है कि इसने 1751 में उनको बुलाया, फोन करके बुलाया कि आ जाओ मामा जी की, क्या की बात ये से कि आप पैसे वैसे मांग रहे थे, मेरे पास इकट्ठे हो गए और आ जाओ कि ये मराठा पैसे भी ले जाना और आप क्या करना यहाँ पर छीमने का प्रोग्राम कि फोन किया तो कि अभी तो मेरे पास के 4000 सैनिक साथ हैं और इधर मैं वहां पर नहीं हूँ, मेरे डेरे पर नहीं हूँ, अर्थात मेरे ठिकाने पर तो नहीं हूँ, मेरे घर पर नहीं हूँ, और कहा जाता है इधर ही आए हुए हम, मैं सैनिकों को भी साथ ले आऊँ, हाँ बिल्कुल ले आओ कि बढ़िया प्रोग्राम किया है अपने, और प्रोग्राम में लगभग 4000 आदमी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कितने भी हो फुल, अपना दिल आपके भांजे का दिल बहुत बड़ा है कि राखी बांधी थी भाई, उसकी मम्मी ने राखी बांधी थी, किसने अपनी चंद्रकुमारी ने,
चंद्रकौली ने किसको राखी बांधी थी, मलारा होटकर को राखी बांधी थी और कहा कि आ जाओ मामा जी, कोई दिक्कत नहीं, कि आपको खूब खिलाएंगे, ठीक है, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, मजे करेंगे, और कि यहाँ ही रुकना एक आध रात, एक दो दिन यहीं रुकना। पैसा मराठा आ जाता है 4000 सैनिकों के साथ, यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और जयपुर के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। एक जोरावर सिंह गेट, कौन सा वाला, जोरावर सिंह गेट से इनमें प्रवेश दिया जाता है कहाँ पर, मराठों को। बाकी के सारे घाट गेट, अजमेरी गेट, सांगानेर गेट, सारे गेट बंद करवा दिए जाते हैं। और बंद करवा देने के बाद प्यारे दोस्तों एक गेट से एंट्री मिलती है इनको, जोरावर सिंह गेट से एंट्री करवाई जाती है उत्तर की ओर से। और एंट्री करवाने के बाद प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है, उस गेट को भी बंद करवा दिया, क्या बंद करवा दिया जाता है। बंद करवा देने के पश्चात आए तो भोजन करने थे भाई, आज तो अरे के मजा आ गया कि आज तो की भोजन करेंगे और इधर ही घूम कर चलेंगे और वहां से पैसे वैसे भी प्राप्त होंगे कि अपन को भाई हरजाना राखी राशि की मांग की थी। कहा जाता है प्यारे दोस्तों कि ये उनको बुलाता है कि इनको मराठाओं को, क्योंकि मराठा आतंक मचा रखी थी जयपुर में, कई बार मराठाओं की और जयपुर वाले की कभी नहीं बनी। तो इसी दौरान कहा जाता है प्यारे दोस्तों, कब इसी 1751 कब की बात करें, 1751 कब प्यारे दोस्तों, 1751 में, एक साल बाद, 1750 में शासक बना था, 1751 में क्या करता है ये, लगभग 1500 मराठाओं को बूज देता है जयपुर के अंदर बंद करके। एक प्यारे दोस्तों इतना खतरनाक पीटता है उनको, इतना खतरनाक मारता है कि भगा भगा कर मारता है। कई सारे तो दीवार पे झूम झूम कर कूदने की कोशिश कर रहे थे, उनको नीचे उतार उतार कर मारा, क्या खूब सारा कतलेआम करवा दिया। और लगभग 1500 मराठा, कितने 1500 मराठाओं का क्या करवा दिया, कतलेआम करवा दिया। किसने, पैसे चाहिए ना, पैसे चाहिए, लो पैसे, जी भर भर के लो, की बात इधर आए ही नहीं मराठा। कहा जाता है कि कतलेआम करवा देता है, कौन करवा देता है, कतलेआम करवा देता है, कौन करवा देता है भाई, आपका माधो सिंह, कौन करवाता है, माधो सिंह के द्वारा लगभग 1500 मराठाओं को मरवा दिया जाता है, कटवा दिया जाता है इसके द्वारा, माधो सिंह के द्वारा। अब जाके मराठाओं के शांति आती है। इतने दिनों से मन चाहे जब आते, चाहे जिसकी लुगाइयों को लूट लेते, चाहे जिसको बाजार में लूट लेते, जोरी बाजार में लूट लेते, उनके मन का धंधा किया करते थे। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों 1751 में इसने ताबीज भर दिया इनका, और उसके पश्चात कहा जाता है कि मराठा इधर मुंह देखने के लायक नहीं रहे। फिर कहा जाता है क्या कंडीशन होती, अब 1751 में खूब कूटा इनको, खूब कूटा इनको, किनको, मराठाओं। अब कूटने के पश्चात भाग गए वापस, और भाग जाने के पश्चात की आ जाओ कि युद्ध कर ले कि दो दो हाथ, तो ये कहता है कि आ जाओगे जयपुर में लड़ लेंगे, नहीं नहीं इधर नहीं आएंगे कि, तो फिर किधर आना है कि नहीं तू इधर आ जा कि उधर ही लड़ लेंगे क्या, तो कर ले दो दो हाथ। कहा जाता है प्यारे दोस्तों, फिर ये टोंक के काकोड़ नामक स्थान पर कहा जाता है, पास में ही पड़ता है, और कहा जाता है कि 1700 कब प्यारे दोस्तों, काकोड़ का युद्ध होता है, किस किस के बंदे होता है प्यारे दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना है। एक तो माधो सिंह और एक मराठा, किस किस के बीच होता है, माधो सिंह वर्सेज कौन, माधो सिंह कहाँ का, चिप का ना, वर्सेज मराठा, माधो सिंह वर्सेज के मध्य, मराठाओं के मध्य कहा जाता है ये काकोड़ का युद्ध होता है। और काकोड़ का युद्ध होने के पश्चात इस युद्ध में भी जबरदस्त दोता है इनको, क्या इनको खूब कूटता है, और कूटने के पश्चात फिर भाग जाते हैं मराठे, कहाँ से भाग जाते हैं, जयपुर से भाग जाते हैं। बुलाने वाली तो कौन थी भाई, वो सूरज कंवरी थी, जो कहा जाता है कौन थी कि सवाई जय सिंह की बहन, सवाई जय सिंह की बहन थी ना, कौन, सूरज कंवरी, जिसका विवाह बुद्ध सिंह के साथ हुआ था, बात की थी अपने, और उसके द्वारा बुलाया गया था इनको ना, सॉरी अमर कंवरी के द्वारा बुलाया गया था, किसके द्वारा, अमर कंवरी के द्वारा बुलाया गया था, इसकी क्या हो जाएगी, बुआ लगने लगी, माधो सिंह की बुआ, उसके द्वारा बुलाया था, इधर धोया था इसने, और इनके साथ कभी नहीं बनी भाई, यहाँ से हो जाती यहाँ पर मराठाओं में, यहाँ पर फिर
किसकी विजय हो जाती है इस युद्ध में भी, विजय कौन हो जाता है आपका युद्ध में भी, विजय हो जाता है आपका माधो सिंह का, विजय हो जाती है इस युद्ध में भी, माधो सिंह की विजय हो जाती है कौन से युद्ध में, काकोड़ के युद्ध में 1765 में ये काकोड़ का युद्ध लड़ा जाता है। और कहां पर काकोड़, जयपुर में ही लड़ा जाता है, कहां पर पड़ता है ये जयपुर के पास टोंक, कहां पर पड़ता है टोंक भी तो अपना वाला ये रहे, अपना पास ही तो है टोंक भी, कहां ज्यादा दूर है जयपुर से, थोड़ा ही तो पड़ता है, तो उधर ही धोया मराठाओं को, पर मराठाओं को धोने के पश्चात ये काकोड़ में बढ़िया धोया और फिर भी किसकी विजय हो जाती है यहाँ पर, माधो सिंह की। अब माधो सिंह की विजय हो जाती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन होती है इसके पश्चात एकता सफदर सफदरगंज जो कहाँ का नवाब था, अवध का नवाब, का नवाब था अवध का नवाब, और उसके बात करें तो अहमद शाह, किसकी बात करें अहमद शाह, और अहमद शाह कहाँ का नवाब था, ये अहमद शाह कहाँ का प्यारे दोस्तों, दिल्ली का, ठीक है, अहमद शाह कहाँ का, दिल्ली का, अहमद शाह दिल्ली का, और कहा जाता है सफदरगंज कहाँ का, ये अवध का नवाब था। इनके बीच में कहा जाता है कि कभी नहीं बनी, कभी नहीं बनी तो नहीं बनती, तो कहा जाता है कि ये कौन, माधो सिंह के द्वारा इनके बीच में समझौता करवा दिया जाता है, क्या करवा दिया जाता है, समझौता करवा दिया जाता है। अब समझौता होने के बाद प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि जो मोहम्मद शाह था, अहमद शाह था, अहमद शाह के द्वारा कहा जाता है कि इसको, किसको, माधो सिंह को क्या दे दिया जाता है, रणथंभौर दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, रणथंभौर किसको दे दिया जाता है। इस चीज से खुश होकर, यार बढ़िया काम का बंदा है तू है, और अहमद शाह के द्वारा इसको क्या दे दिया गया, रणथंभौर का दुर्ग दे दिया जाता है, किसको, माधो सिंह। जब रणथंभौर का दुर्ग माधो सिंह को दे दिया जाता है, और उस समय कोटा के 1700 साल का अधिकार हुआ करता था, किसके ऊपर, किसके ऊपर, रणथंभौर दुर्ग पर कोटा के 1700 साल का अधिकार था, किसका अधिकार था भाई, कोटा के 1700 साल का अधिकार था, और 1700 साल का अधिकार था, तो इसने भाई साहब ने ये माधो सिंह पहुंच गया कहां पर, रणथंभौर, और रणथंभौर पहुंच जाने के पश्चात इसने देखा, अरे कि यहाँ तो ताड़ा वाड़ा लगा हुआ है, ताड़ा वाड़ा तोड़वाया और घुस गया, और वहां पर कुछ निर्माण निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया, किसने, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया, किसने कर दिया भाई, माधो सिंह ने। और माधो सिंह ने जब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया प्यारे दोस्तों, उसी चक्कर में कहा जाता है इसका पता किसको चला, 1700 साल को चला, तो चला भाई 1700 साल कोटा के अंदर 1700 साल को चला, तो वो चाहता है इसके पास कि क्या है कि भाई ये तो मेरे अधिकार में, नहीं नहीं कि ये मेरे को मुगल बादशाह ने दिया है, कि कौन सा मुगल बादशाह, किस साल है, उसके बाप के जाए जाते क्या ये, उसके बाप के जाए जाते हैं क्या, तो किसने दिया कि भाई उसने चाबियां दी, चलो कोई सर को यहाँ से निकाल देता है, कौन, माधो 1700 साल यहाँ से माधो सिंह को निकाल देता है, तो आ जा रहे तो लड़ ले, ज्यादा नाटक करने की तो जरूरत नहीं, जो जीतेगा उसका वो जाएगा, क्या जो जीतेगा वो सिकंदर, अर्थात सीधी सी बात ये है कि जो जीतेगा उसी का ये रणथंभौर दुर्ग उसी का हो जाएगा। और उसी के चक्कर में प्यारे दोस्तों कौन सा युद्ध होता है, यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसे हम बटवाड़ा का युद्ध कहते हैं, कौन सा युद्ध होता है भाई, बटवाड़ा का युद्ध, कौन सा युद्ध होता है, बटवाड़ा का युद्ध, बटवाड़ा, बटवाड़ा का युद्ध, कौन सा युद्ध होता है भाई, बटवाड़ा का युद्ध कब होता है प्यारे दोस्तों, 1761 कब होता है, 1761 कब होता है, 1761 में, ये कहां पर पड़ता है, मांगरोल, कहां पर पड़ता है, मांगरोल, और मांगरोल कहां पर पड़ता है प्यारे दोस्तों, ये 12 में पड़ता है, कहां पड़ता है, वर्तमान में, मांगरोल 12 में ये युद्ध होता है, याद रखना कहां पर होता है, मांगरोल 12 में ये युद्ध होता है, बटवाड़ा नामक स्थान पर, बटवाड़ा के गणेश जी प्रसिद्ध है ना, बटवाड़ा में कहा जाता है कि वहां पर गणेश जी है, बटवाड़ा का युद्ध होता है, किस किस के मध्य होता है प्यारे दोस्तों, ये जो युद्ध होता है आपका, ये होता है एक तरफ तो माधो सिंह, कौन, माधो सिंह की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो माधो सिंह, माधो सिंह, और माधो सिंह, माधो सिंह कहाँ का है, ये जयपुर का, ठीक है, कहाँ का है आपका, जयपुर का, ठीक है, जयपुर, और इसके वर्सेज इसके मध्य होता है कोटा, 1700 साल कौन था प्यारे दोस्तों, 1700 साल कौन था, 1700 साल, और कोटा का 1700 साल कहाँ का था, ये कोटा का, इन दोनों के मध्य ये भयंकर युद्ध होता है, और भयंकर इसमें इसका 1700 साल का एक सेनापति था, सेनापति कौन था प्यारे दोस्तों, इसका सेनापति था एक झाला जालिम सिंह, कौन था, झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह इसका सेनापति था, ये बहुत खतरनाक आदमी था, इस जालिम सिंह के बारे में कहा जाता है इतना खतरनाक आदमी था, इतना खतरनाक आदमी था कि अपने दम पर काफी सारे युद्ध और कई सारी विजयों का श्रेय इसको दिया जाता है प्यारे दोस्तों, झाला जालिम सिंह का। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो सोता था, रात को सोता था, तो वहां पर इसने एक पिंजरे का निर्माण करवा रखा था, तो इतना डर था, जो
जिसको ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाती है भाई, उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ती है ना। तो इसने सोने के लिए पिंजरा बना रखा था और उस पिंजरे में निवास किया करता था, अर्थात लोहे का एक बहुत खतरनाक वाला पिंजरा बना रखा था, उसमें सोता था बंदा। कौन? झाला जाली जी। इतना। और कहा जाता है ये कोटा के दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया था, झाला जालिम के द्वारा। इस कारण इसे जालिम कोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जालिम कोट। और ये बहुत खतरनाक आदमी था, इस शत्रु साल का सेनापति हुआ करता था। कौन? कौन भाई? झाला जालिम जी। और यही से एक कहावत भी प्रचलित है कि इस शत्रु साल के सपने में वो रामगढ़ वाली माता जी आई थी, और माता जी आने के पश्चात कहा जाता है कि इसने क्या करवाया था। प्यारे दोस्तों, माता जी आई थी कि इस युद्ध में तू विजय हो जाएगा, विजय हो जाने के पश्चात तेरे को मेरे मंदिर की सीढ़ियां बनवानी पड़ेगी। तो कहा जाता है कि वो कोटा जो रामगढ़ में जो माता जी का मंदिर है, बारा के रामगढ़ में माता जी का मंदिर है, जहाँ पर कौन सी झील है, एक मात्र ऐसी झील है जो उल्का पिंड से निर्मित रामगढ़ झील, ठीक है, कहाँ पर है, गिरनार पर्वत के नाम से उस पर्वत को जाना जाता है, जो कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, रामगढ़ बारा में है। और उसी की वहां पर एक माता जी का मंदिर है जिसे कृष्णाई माता के नाम से जानते हैं, या अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं, याद रखना। और वहां क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसकी सीढ़ियों का निर्माण भी इस युद्ध में विजय के पश्चात यही करवाता है कौन? शत्रु सा। ये दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। भयंकर युद्ध होने के पश्चात कहा जाता है प्यारे दोस्तों क्या होता है, इसमें शत्रुशाल विजय हो जाता है। कौन विजय हो जाता है इस युद्ध में? विजय कौन होता है? विजय होता है आपका शत्रुशाल। कौन विजय हो जाता है इस युद्ध में? आपका शत्रुशाल विजय हो जाता है। कौन विजय हो जाता है इस युद्ध में? कौन विजय होता है? आपका शत्रुशाल विजय हो जाता है। भटवाड़ा का युद्ध में, भटवाड़ा कहां पर पड़ता है? ये मांगरोल बारा के पास पड़ता है, जहां पर 1761 में युद्ध होता है। किस किसके मध्य होता है? सवाई माधो सिंह और कोटा के शत्रु साल के बीच होता है। कोटा के शत्रु साल के बीच होने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है? 1763 में पराजय हो जाती है। पराजय हो जाने के पश्चात रणथंबोर ऊपर किसका? कोटा वाले का अधिकार हो जाता है। कोटा वाले का अधिकार हो जाता है तो रणथंबोर के पश्चात वो सीढ़ियों का निर्माण, रामगढ़ में माता जी के मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण शत्रु साल के द्वारा करवाया जाता है। उसी के पश्चात कहा जाता है कि ये माधो सिंह, माधो सिंह के बारे में बात करें तो 1763 में, कब की बात करें प्यारे दोस्तों, युद्ध के बाद की बात करते हैं, 1763 में। कब प्यारे दोस्तों? 1763 में माधो सिंह के द्वारा किसकी? सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की। 1763 ईस्वी में माधो सिंह, माधो सिंह द्वारा, माधो सिंह द्वारा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर नगर की स्थापना की, स्थापना की या बसाया, ठीक है, अपना। तो सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया? ये आपके सवाई माधो सिंह के द्वारा बसाया गया। किसके? माधो सिंह के द्वारा सवाई माधोपुर नगर बसाया गया था। याद रखिएगा कहां पर? ये अरावली की तस्री नुमा पहाड़ियों के बीच पास ही बसाया था। कहा जाता है कि सवाई माधो सिंह। अब ये इस जगह को तो रणथंबोर को तो क्या अधिकार हो जाता है इस युद्ध के बाद? रणथंबोर पर किसका अधिकार हो जाता है इस युद्ध के बाद? इस युद्ध के बाद रणथंबोर, रणथंबोर दुर्ग पर, रणथंबोर दुर्ग पर शत्रु साल का अधिकार हो जाता है। शत्रु साल का अधिकार हो जाता है, अधिकार हो जाता है, शत्रुशाल का अधिकार हो जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसका अधिकार हो जाता है भाई, शत्रुशाल का अधिकार हो जाता है इस युद्ध के बाद। रणथंबोर पर शत्रुशाल का अधिकार हो जाता है। यहाँ पर सवाई माधोपुर नगर की स्थापना कौन? सवाई माधो सिंह के द्वारा की जाती है। और बातें करते किसकी? सवाई माधो सिंह की बातें करें तो कहा जाता है कि ये क्या करवाता है? ये नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाता है। किसका? 9 महलों का। नाहरगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग कौन से? नाहरगढ़ दुर्ग किसकी बात करें प्यारे दोस्तों? नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर बना है? जयपुर। नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे एक अपने प्रेमिकाओं के लिए, किसके लिए? अपनी प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाता है सवाई माधो से। याद रह जाएगा अपनी प्रेमिकाओं के, इसकी लवर थी भाई, लवर थी,
गर्लफ्रेंड्स थी कितने, नौ। तो उनके लिए एक एक के लिए क्या करवाता है, अपनी प्रेमिकाओं के लिए नौ एक जैसे महलों का निर्माण करवाता है। इस कारण नाहरगढ़ दुर्ग को महलों वाला दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में कहां पर करवाता है, एक जैसे नौ महलों का निर्माण करवाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यह कौन प्यारे दोस्तों, शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाता है, कौन करवाता है, सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह कहां पर, चाकसू जयपुर में का निर्माण करवाता है। चाकसू जयपुर में शीतला माता के मंदिर का निर्माण भी सवाई माधो सिंह द्वारा ही करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, सवाई माधो सिंह द्वारा चाकसू जयपुर में इसका निर्माण करवाया जाता है, शीतला माता के मंदिर का, ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे अपनी नौ पासवानों के लिए, पासवानों प्रेमिका प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे नौ महलों का निर्माण करवाता है, कौन करवाता है भाई, सवाई माधो सिंह करवाता है, कौन करवाता है, माधो सिंह, माधो कौन करवाता है, माधो सिंह, ठीक है, याद। इसके पश्चात बात करें शीतला माता मंदिर निर्माण कौन करवाता है, सवाई माधो सिंह करवाता है, क्या करवाता है, कौन करवाता है, सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया जाता है। सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से जाना जाता है, सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों सवाई माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। निर्माण करवाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, यही वो देवी है जिसके क्या कहा जाता है, खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, इसकी पूजा की जाती है जिसकी सवारी या इसका वाहन क्या होता है, गधा होता है, इसका प्रतीक चिन्ह दीप मिट्टी का दीपक होता है, इसका पुजारी कौन होता है, कुमार होता है, क्या होता है इसका पुजारी, इसे शीतला माता कहा जाता है, इसे शीतल माता कहा जाता है, इसे महामाई कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसे बच्चों की रक्षिका कहा जाता है, इसे चेचक रोग की देवी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चेचक या बोदरी रोग की देवी भी कहा जाता है, किसको, शीतल माता को। इसका मंदिर कहाँ पर बनाया गया है, चाकसू की डूंगरी या चाकसू जयपुर में कहाँ पर बनाया गया है, चाकसू में कहाँ पर, सवाई माधो सिंह ने कहाँ पर करवाया, इसका मंदिर कहाँ है, चाकसू कहाँ पर है, चाकसू जयपुर सील की डूंगरी पर, जयपुर कहाँ पर है इसका मंदिर, चाकसू जयपुर में सील की डूंगरी पर है, सील की डूंगरी पर, डूंगरी जहाँ पर पा कहा जाता है प्रतिवर्ष, कब प्यारे दोस्तों, प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है, सप्तमी अष्टमी को क्या यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता, और जिसे क्या कहा जाता प्यारे दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाता, इसे इसी दिन बाशोड़ा का त्योहार मनाया जाता, ठंडे भोजन का भोग लगता है, वो किसके लगता है, यही आपकी देवी शीतला माता के लगता है, ठंडे भोजन वाली देवी कहा जाता है, ठंडी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, इसकी की जाती है, इसकी की जाती है शीतला माता की। तो इसका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और बात करें प्यारे दोस्तों, एक तो चोगा, किसकी बात करें, चोगा एक आतमसुख, कौन, आतम सुख, एक चोगा और एक आतम सुख, कहा जाता है कि ये बहुत लंबा चौड़ा आदमी हुआ करता था, कौन, माधो सिंह, इतना लंबा चौड़ा आदमी था कि ये चोगा हुआ करता, चोगा तो ऊपर से पहना जाता था, किस प्रकार का था, चोगा ऊपर से नीचे तक जो वर्तमान में अपन कुर्ता टाइप पहनते ना, तो कुर्ता जो ऊपरी बदन को ढकने के लिए, या फिर कहे अपन जैसे जैकेट पहनते तो जैकेट तो अपने हाफ रहती, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक पहना जाता, जिस प्रकार से वो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वो अमरीश पुरी वगैरह पहनकर निकलता है, तो ऊपर से अंदर तो कपड़े पहने रहता है, ऊपर से उसको डाल लेता है, तो सर्दियों में पहना जाने वाला एक वस्त्र होता है ये चोगा। तो सबसे बड़ा चोगा का माना जाता है, विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा चोगा सवाई माधो सिंह का माना जाता है, जो आज भी सिटी पैलेस में रखा हुआ है, सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है पैर, ठीक है। और ये आतमसुख भी कहा जाता है कि ऊपर से पहने जाने वाला वस्त्र है, जो एक प्रकार से अब टावल का रूप ले सका है, उसी तरीके का वस्त्र था आतमसुख और चोगा, कहा जाता है विश्व, ये कहाँ पर रखा हुआ है, माधो सिंह का, किसका, माधो सिंह का, प्यारे दोस्तों माधो सिंह
सबसे बड़ा, किसका सबसे बड़ा है, क्या है सबसे बड़ा? चोगा। चोगा क्या है? ये वस्त्र है। सबसे बड़ा चोगा माधव सिंह का, सबसे बड़ा चोगा कहाँ पर रखा हुआ है? चोगा कहाँ पर? सिटी पैलेस। कहाँ पर? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहाँ पर? जयपुर में रखा हुआ है। और कहा जाता है आज भी रखा हुआ है ये आत्मसूत भी। कहाँ रखा हुआ है? ये भी सिटी पैलेस में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में। कहाँ पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में ही रखा हुआ है। जयपुर में रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा माना जाता है। इसके द्वारा कहा जाता है कि ये हट्टा कट्टा बढ़िया लंबा चौड़ा आदमी था, तो ये पहना करता था। तो ये कहाँ पर अभी प्रदर्शनी के लिए यहाँ रखा गया है। तो ये था प्यारे दोस्तों आपका माधव सिंह और ईश्वरी सिंह की बातें की। तो आज इतना ही काफी प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और जोश जुनून के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। बने रहिए डीजे सर क्लासेस के साथ और जुड़े रहिए। और वीडियो को देखते वक्त कुछ इंटरेस्ट आए आपको तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।